जय हिंद साथियों। साथियों आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आपने एसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं और उसके लिए फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, आपको पता नहीं है भाई किस प्रकार से आपको सही तरीके से अपलोड करना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि घर बैठे आप मोबाइल फ़ोन से अपना जो है फ़ोटो और सिग्नेचर किस प्रकार से अपलोड कर सकते हो, वो भी मोबाइल फ़ोन से भाई। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम सारे जो वीडियो बनाते हैं सारा काम आपको जो है मोबाइल से करना सिखाते हैं, मोबाइल से ही फॉर्म भरना सिखाते हैं, मोबाइल से ही फोटो सिग्नेचर अपलोड करना सिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का पैसा इसमें बच जाता है भाई। तो मोबाइल से कार्य आपको सारा कार्य जो है हमारे चैनल के माध्यम से मोबाइल से ही सिखाया जाता है। तो सर्वप्रथम मोबाइल स्क्रीन में आना है। मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद आपको प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको जो है एसएससी डाल के सर्च करना है, चाहे माई एसएससी डाल के सर्च करना है, नहीं तो एसएससी डाल लेना। तो यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट ही ऑप्शन दिखाई देगा, इंस्टॉल कर लेना इसे। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद भाई आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से एसएससी सीजीएल का जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ़ोटो जो है आप जो है आसानी से अपलोड कर पाओगे, वो भी मोबाइल फ़ोन से। तो यहाँ से जो है हम जो है इसे फॉर्म जो है ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद पासवर्ड फिल करना है, उसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड फिल करने का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो है यूजर आई डी में, यूजर नेम में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड फिल करना है, उसके बाद कैप्चा कोड फिल करना है, उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है भाई। सारा कुछ फिल करके लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन के बटन जैसे ही भाई क्लिक करोगे ना, तो आपका जो है जो भी वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई होता हुआ हो रहा होगा उस का वैकेंसी का नोटिस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमारा जो है यहाँ एसएससी सीजीएल का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप जो है प्रीव्यू, यहाँ पर प्रीव्यू डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप जो है कैप्चर कर सकते हो, फोटो को कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ से हम फोटो जो है अपना फोटो को हम यहाँ से अपलोड करेंगे। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया गया है। तो आप जो है इसी कैमरे के निशान पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लास्ट डेट जो है दिखाई देगा, सारा कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से आपको फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर पहला और दूसरा और तीसरा फ़ोटो इस प्रकार से आपको अपलोड नहीं करना है। जो चौथा नंबर का फ़ोटो बताया गया है आपको कुछ इसी प्रकार से अपलोड करना है, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाए। उसके बाद यहाँ नीचे कैमरा का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको जो है अपना जो है फोटो को कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करने के बाद आपको वेट करना है, कुछ देर बाद आपका जो है फोटो अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपलोड मिलेगा, लेकिन आपको जो है प्रीव्यू में चेक करोगे तो प्रीव्यू में आपका अपलोड हुआ मिलेगा। तो यहाँ से आप आसानी से घर बैठे मोबाइल फ़ोन से फॉर्म अगर मोबाइल फ़ोन से भरते हो तो आपको फ़ोन से ही फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपको जो है फ़ोन से ही सारा कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम प्रीव्यू पे चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने के लिए आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। हमने फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको दिखा रहे हैं अपलोड डॉक्यूमेंट। हम जो है दूसरी फ़ोटो अपलोड किया भाई, क्योंकि हमारा जो है कैप्चर नहीं कर रहा था, तो हमने फ़ोटो अपलोड किया दूसरी फ़ोटो। और जो है यहाँ से हम जो है यहाँ पर हमारा सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। तो कुछ इसी प्रकार से आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो और फॉर्म को भी कंप्लीट कर सकते हो।